What's up guys, this is Max Size Life, welcome back to yet another YouTube video of mine. Today is Saturday morning, basically मेरा weekend का schedule start होने वाला है, so मेरा weekend का schedule खत्म होने वाला है. Basically आज है chill day, तो आज सुबह मैं बनाता हूँ video. आज आपको दिखाते हैं कैसा लगता है Toronto on this Saturday morning. कब? Let's go. पर उसके पहले ready होना जरूरी है भाई, काम पे जाना ready हो जाना. सबसे पहले जाता हूँ ready होता हूँ, उसके बाद आपको लेके जाता हूँ बाहर और दिखाता हूँ आपको Toronto की life on this Saturday morning. Just stay tuned till the end. You are going to love the cinematic views of this video. I'm sure you're gonna enjoy this vlog a lot. यार मेरे से ना बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते थे कि तुम भाई घर से ही क्या सिक्योरिटी कपड़े डाल के देते थे, क्या सीन है तुम्हारा. बेसिकली देखो, जब मैं करता था फुल टाइम जॉब सिक्योरिटी, तब तो मैं वहाँ जाके मतलब चेंज वेंज कर देता था. मैंने वहीं पे अपने दो पेयर स्वेटर और शर्ट वगैरह रखे हुए थे. पैंट मैं घर से डाल के जाता था क्योंकि ये वहाँ पे चेंज करनी थोड़ी इनकन्वीनियंट होती है. बट ऊपर वाले कपड़े जो हैं वहाँ पे जाके चेंज कर लेता था. पर अब जब मैं वीकेंड पे करता हूँ, मैं दो दिन काम करता हूँ सिर्फ, तो दो दिन घर से डाल के चला जाता हूँ. वैसे भी सर्दियों का टाइम है तो इसके ऊपर से जैकेट डाल ली, किसी को वैसे ही नहीं पता लगता कि अंदर क्या कपड़े डाले क्या नहीं डाले. नीचे वैसे ब्लैक पैंट ही होती है सिक्योरिटी की, मैं कैसे दिखाऊंगा. तो इट्स प्रीटी कंफर्टेबल. किचन पूरी ऐसे ही पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बनाया हुआ. सुबह बस एक कॉफ़ी बना के पी थी, कॉफ़ी का कप अंदर पड़ा है यार. होली शिट, ये रहा मेरा नया नया एडिटिंग टेबल. बेसिकली यहाँ खाना खाने का भी काम आ जाता है, एडिटिंग का भी काम आ जाता है. सामने इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप को, तो मेरे लिए ईजी रहता. So I just reached the bus stop and I'm waiting for my bus. It's going to be very hard today, I'm telling you, to go and get this bus because मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ. बट बस जस्ट आ रही होगी, तो आती है बस तो बस में चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी मेरे घर से लेके मेरे काम तक की. और रेडीमेड सबवे स्टेशन, जी हाँ, मैं रेडीमेड सबवे स्टेशन के काफ़ी पास रहता हूँ. सिर्फ 5 मिनट की बस है मेरी रेडीमेड सबवे स्टेशन से, और यहाँ से मैंने जाना है कैनेडी की तरफ. कैनेडी इज़ टोटल ईस्ट, तो मैंने ईस्ट की तरफ जाना है यहाँ से बेसिकली. और रास्ते में मेरा स्टॉप आना है डफरिन, और वहाँ से लेनी है मैंने और बस. Guys, I'm at different station right now, waiting for my next bus, which is going to be from south to north. Yes, from south to north. ऐसे बस 3 साल हो गए, बट मैं भी sometimes confused हो जाता हूँ. आप तो अभी मतलब आए भी नहीं, अगर आए हो तो नए नए. आई एम श्योर कोई ज़्यादा पुराना कैनेडा में आया हुआ तो मेरा सब्सक्राइबर है. बस इज़ ऑलमोस्ट है गाइस, बस आ जाए उसमें चढ़ के फिर आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ कि लास्ट बस का सफ़र कैसा लगता है मेरी नज़रों से इस शहर का. हाँ तो गाइस, तीसरी बस से उतरने के बाद देन मेरी वॉक होती है तकरीबन आधे किलोमीटर की. चलो इसी बहाने वॉक भी हो जाती है, और वैसे भी सिक्योरिटी की जॉब में सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेट्रोल भी होते हैं, बट रिलेटिवली बहुत कम आपको चलना फिरना पड़ता है. तुरना फिरना बोलने लगा था, मेरे मुँह से पंजाबी पता नहीं क्यों निकलती है. मतलब एक चीज़ बट अच्छी हुई है, देवेश मेरा दोस्त, उसके साथ मैं हिंदी में बात करता था क्योंकि वो इतना पंजाबी नहीं है. तो इन दैट केस ना मेरी हिंदी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, और उसका मेरे को फ़ायदा इनडायरेक्टली यूट्यूब के लिए भी हुआ है कि आई कैन स्पीक हिंदी. अभी मेरे मुंह से कभी कभी हिंदी बोलते हो, आपने नोटिस किया होगा पंजाबी के वर्ड्स निकल जाते हैं, बट ट्राई मैं. चलो सबकी रीजनल लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इफेक्ट तो यार होता ही होता है ना आपके ऊपर, बट स्टिल. अच्छा एनीवेज, एक और बात है, अभी मौसम थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया, तो पहले ऐसे कैमरा पकड़ने मुश्किल होता था हाथ से, पर अभी तो मतलब एकदम चिल बढ़िया मौसम हो गया है. हालांकि बर्फ़ अभी भी है,
एंड इट इज़ क्लोज टू अबाउट 2 degrees, बट हाँ भी इतना बियरेबल है क्योंकि देखो यहाँ पे रह के ना आपको आदत हो जाती है -2-3 में ऐसे हाथ बाहर निकालने की, तो उस केस में ऐसे अभी अच्छा लग रहा है। बट ऐसा देखो कितना अच्छा है यार, व्यू बड़ा अच्छा है आपका। वॉक करो मजे से, कहीं भी वॉक करो ऐसे वॉक वे पे ना, कहीं भी शहर के अंदर अच्छा ही लगता है, अच्छी वाइब आती है। और हाँ यार, टिम हॉर्टन्स एक टाइम याद है, जो लोग मेरे को बहुत टाइम से मतलब मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा यार कि मैं टिम हॉर्टन्स कितना पीता था पहले, है ना, कि कभी भी काम पे जाता था सबसे पहले टिम हॉर्टन्स ढूंढता था। अभी पता नहीं क्या हो गया, एक तो यहाँ तो काम के बिल्कुल पास हो, मान लो यहाँ पे काम से उतरते मेरे को टिम हॉर्टन्स नज़र नहीं आता और मैं पहले ही मतलब कट टू कट टाइम टू टाइम चल रहा होता हूँ, इसलिए नहीं पिया जाता। मिस करता हूँ मैं उस कॉफ़ी को, तो मैंने वैसे उसकी कॉफ़ी ला के रख ली हुई है घर पे, वीडियो के स्टार्ट में आपने देखी भी थी, तो मैं वो पीता हूँ। बट वो जो आप जाते हो ना, बोलते हो मिलती है ऐसे थोड़ा बहुत कुछ, कभी कुछ लाटे वाटे पीने का दिल करता है बंदा वो पी लेता है, फिर तो नॉर्मली वो 2 cream 3 sugar तो थी ही थी। तो यार चलो खैर, वो भी एक अच्छा टाइम रहा है, ये भी एक अच्छा टाइम रहा है, एंड लाइफ बदलती रहती है यार। आज से 1 साल पहले जो लाइफ थी वो आज नहीं है, और जो 1 साल पहले वाली लाइफ थी वो 2 साल पहले नहीं है, तो मतलब बदलता रहता है। आने वाले टाइम में यू नेवर नो क्या होगा। इंडिया जाने का जहाँ तक यार सवाल है, आप में से कुछ लोग पूछते ही हैं, तो इंडिया का मैं बता देता हूँ, इंडिया 2022 तो बड़ा मुश्किल है जी, 2023 भी अगर गया तो सफर, नहीं तो अब 24 स्टार्ट और इट विल बी 5 years। बट ठीक है यार, अब कुछ करने आए हैं तो वो मोटिव तो पूरा होना चाहिए ना, मतलब एक मिनिमलिस्टिक इस्टेब्लिशमेंट तो हो एटलीस्ट, उसके बाद बंदा सोचता है कि हाँ यार अब इंडिया चलते हैं, ऐसे जाके क्या फ़ायदा, फिर तो जो 2-4 पैसे जोड़े हैं वो जाने आने में और यहाँ पे रेंट सामान वगैरह इधर उधर करने में ही ख़त्म हो जाएंगे, बेटर कि थोड़ा बहुत करते उसके बाद गिर जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मतलब थोड़ा सा आपको टोरंटो दिखाना था अपनी आंखों से, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोज़ और देखेंगे चिल वाइब वाली, बता देना और बना देंगे, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।